बागपत के नए कप्तान ने संभाला चार्ज। बागपत के नए कप्तान अजय कुमार सिंह ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तेज तर्रार अधिकारियों में शुमार अजय कुमार सिंह ने चार्ज लेने के बाद पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि बागपत में बढ़ते कोरोना संकट से निपटने के लिए और बेहतर प्रयास होंगे, साथ ही जिले में अपराध रोकना भी पहली प्राथमिकता में शामिल होगा और इसके लिए मुखबिर तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरानी रंजिशों को भी चिन्हित किया जाएगा और कई एयर पॉइंट्स पर भी पुलिस काम करेगी। बागपत में किस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे, क्या आपने खाका तैयार किया है यहाँ पर, क्योंकि फिलहाल कोरोना को लेकर के यहाँ पर मरीज बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार इसको लेकर के गंभीर है। कल गृहमंत्री 20 पर आपसे वार्ता करने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो क्या किस तरीके का प्लान रहेगा आपके यहाँ पर रोकथाम के लिए? कोरोना रोकथाम के लिए जो भी गाइडलाइंस है उसके तहत कार्रवाई हो रही है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना के लिए कम हो, सारी एहतियात बरती जा रही है। पुलिस के लिए जो भी एहतियात करना आवश्यक है हम पूरी तरीके से उस एहतियात के साथ कोरोना मरीज को संकट को दूर करने का प्रयास करेंगे। अनलॉक होने के बाद जिस तरीके से बाजारों में भीड़ बढ़ रही है, वो क्राइम का ग्राफ भी बढ़ा है, उसके बाद से क्या आप किस तरीके से आप इसको लेकर बढ़ेंगे? क्राइम के ग्राफ के लिए भी हमारी बात हुई, हम क्राइम की समीक्षा करेंगे कि हमारा क्राइम बॉडी ऑफेंस बढ़ाया है, प्रॉपर्टी ऑफेंस बढ़ाया है, उसी के तहत रणनीति बना करके हम कार्रवाई करेंगे। पुरानी रंजिशों को लेकर के ज़्यादा बार बातें सामने आ रही हैं, तो उन पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा? पुरानी रंजिशों को चिन्हित किया जाएगा कि किस तरह की रंजिशें हैं, निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी जिससे कि इस तरह की रंजिश के आधार पर आगे बढ़ जाता हूँ।